सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी पैंट प्लाजो का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। सो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये ना मैंने कपड़े पे पेपर पेस्टिंग चिपका ली है पहले से ही, और इसकी लेंथ मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है, मतलब 7 इंच हमारी नीचे से मोरी रहेगी, तो उसका मैंने डबल से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। एंड इसकी ये रही लेंथ, 26 इंच है, मतलब इसकी सारी लेंथ टोटल 26 इंच है इसकी। और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच ली है मैंने इसकी चौड़ाई। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है जो हमारी साइड में दवा मार्जिन में जाएगा। एंड आधा आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं, आधा आधा इंच की गैप छोड़ के इस तरह से निशान लगा लेने हैं। हमें यहाँ पर डालनी है पिन टैक्स, तो इस तरह से सारे में निशान लगा लूँगी मैं। इसी तरह से सारे में निशान लगा लेने हैं एंड इस तरह से थोड़ा सा पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, थोड़ा सा दाबना है, बिल्कुल मतलब एक पैर से भी बहुत बहुत थोड़ा, ऐसी सारे में पिन टैक्स डालते जाना है एक सार बिल्कुल। एंड फिनिशिंग के साथ डालनी है ये पिन टैक्स, ऐसा नहीं कि कहीं से कपड़ा ज़्यादा है कहीं पे थोड़ा है। एंड इसी तरह से सारे कपड़े में मैंने ये डाल ली हैं। ये हमारी सारे जितना भी मैंने कपड़ा लिया था मैंने सारे कपड़े में डाल दिए। एंड ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, जितनी हमको इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ जितना भी चाहिए ये ठीक बैठा है बिल्कुल। एंड इसका साइड का एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको कट कर लेना है। एंड ये यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, आधा इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, ये आधा इंच का कपड़ा एक साइड छोड़ के। एंड ये गोटा पत्ती ली है मैंने, ये इस तरह से लगानी है हमें यहाँ पे। इसका जो रुख है वो जिधर ज़्यादा कपड़ा है उधर की तरफ रखना है, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो इसकी जो ये फिनिशिंग है ये सीधी तरफ आए। इस तरह से सारे में सिलाई लगा देनी है, मतलब जोड़ देना है ये गोटा पत्ती हमें इस कपड़े पर। एंड ये गोटा पत्ती लग के हमारी तैयार हो चुकी है। एंड इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी 3 इंच और 2 इंच हमें ये पैटर्न तैयार रखना है, तो 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था। एंड ये मैंने अपनी पैंट ले ली है, इसकी नीचे जोड़ना है हमें ये कपड़ा बॉटम साइड। तो इसको इस तरह से दोनों दो जो हमारी सीधी साइड है वो बीच में होनी चाहिए दोनों की, तो इस तरह से रख के मैंने इसको जोड़ दिया है अपनी पैंट पर। तो सारे में ऐसे ही जो हमारी हमने गोटा पत्ती वाली सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसी सिलाई पे हमें ये सिलाई चलानी है, ताकि जो अंदर गोटा पत्ती चमके हमारी वो सिलाई ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल इक्वल चमके। तो इस तरह जो हमारा ये मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ करके यहाँ पे एक पैर वाली सिलाई लगानी है हमको। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ एक पैर वाली, इससे फिनिशिंग आएगी काफ़ी अच्छी। तो ये यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देना है इस तरह से। सो ये गोटा पत्ती हमारी लग के तैयार हो चुकी है। एंड ये मैंने एक पट्टी और तैयार करी है, इस पर पेपर पेस्टिंग चिपका ली है मैंने। एंड इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई इसकी इतनी है जितनी हमने ये पहले एक पट्टी और तैयार करी थी। तो इसको सीधी तरफ फोल्ड करना है हमें, तो उल्टी तरफ इस पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है, आधा इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगानी है ये हमें। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है सारे में, सिलाई लग चुकी है हमारी। एंड इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से, अच्छे से सेट कर लेना है इसको, हाथ की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेना है इसको। एंड ये गोटा पत्ती हमें यहाँ पे भी लगानी है। एंड ये जो हमारी सिलाई चमक रही है जिससे हमने ये पट्टी जोड़ी थी, बिल्कुल इसी पे रख के ये गोटा पत्ती लगा देनी है, इस पर सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से बिल्कुल। और ये गोटा पत्ती भी हमारी लग चुकी है। एंड इसको ये जो हमने पट्टी जोड़ी थी इसको सीधी तरफ फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर को। 1 इंच की हमारी पट्टी तैयार हो गई है और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको दबाते हुए यहाँ पे और सिलाई लगा देनी है सारे में
सिलाई नहीं चमकनी चाहिए जो हमने अभी लगाई थी, वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से सारे में सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी मैं। और ये सिलाई भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। एंड ये मैंने स्टोन लिए हैं कुछ, इससे थोड़ा सा डेकोरेशन करना है इसका। एंड ये मैंने फैब्रिक ग्लू ली है, इस पे बीच बीच में एक एक स्टोन लगाना है हमें, तो सारे में इस तरह से ग्लो लगा देनी है। एक एक स्टोन लगाना है मुझे हर एक बॉक्स में, तो इसी तरह से सारे में स्टोन लगा देने हैं। इसी तरह से हर एक बॉक्स में स्टोन लगाते जाना है। सो ये स्टोन भी हमारे लग चुके हैं सारे। अब इसको फोल्ड करके इसकी फाइनल वाली सिलाई लगा देनी है, बीच वाली सिलाई। इसकी मोहरी नीचे से ली है मैंने, 7 इंच ली है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है डबल सिलाई करके। और ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। सो ये हमारा फाइनल लुक है पैंट का। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। बाय बाय।